ये लो टंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम का नहीं तो तुझे रस्सी पे सुखा दूंगा। क्या आपकी छोटी सी हैप्पी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है? क्या आप आपके पूरे परिवार के लिए एक 7-सीटर कार ढूंढ रहे हो, या फिर आप बिजनेस पर्पस कोई 7-सीटर कार ढूंढ रहे हो? क्या आपका बजट विद इन 10 लाख रुपीज है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। 7-सीटर कार मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन विद इन 10 लाख रुपीज बजट में कौन सी आती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसकी माइलेज अच्छी है, किसकी मेंटेनेंस पॉकेट फ्रेंडली है, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, कौन सा पेट्रोल ऑप्शन में है, कौन सा डीजल या फिर CNG में भी मिल जाते हैं, वो सारे पॉइंट चलिए देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? लिस्ट में फर्स्ट आती है मारुति इको। इको की प्राइस शुरू होती है 5.13 लाख से और टॉप वेरिएंट इसकी आती है 6.62 लाख में। 1.2 लीटर इंजन की ये कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, जो 73 पीएस एंड 98 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें पेट्रोल के साथ साथ आपको CNG की भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको 63 पीएस एंड 85 न्यूटन मीटर की पावर देती है। अभी सवाल ये है कितनी देती है। पेट्रोल में एवरेज है 16.11 किलोमीटर पर लीटर और CNG में 20.88 किलोमीटर पर KG। 4 वेरिएंट में ये गाड़ी अवेलेबल है, 5-सीटर स्टैंडर्ड, 5-सीटर AC, 5-सीटर AC CNG एंड 7-सीटर स्टैंडर्ड। ये कार मेनली वर्सा की रिप्लेसमेंट में लाया गया था। ये बजट में ये कार मिनिमम ही कुछ बेसिक फीचर्स रखा गया है इसमें। ऑल मॉडर्न डे फैंसी फीचर्स आर नॉट अवेलेबल हियर। मेनली कॉमर्शियल यूज के लिए लो मेंटेनेंस ये कार पैकेज किया गया है और इसकी यही USP है, लो मेंटेनेंस। और जो अच्छी बात इसमें है वो है इसकी फ्रंट विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। रिसेंट अपग्रेडेशन में 2 एयरबैग भी इसमें दिया गया है। ओमनी की रिश्तेदार या फिर पोता, आप जो भी बोलो, इस गाड़ी में है वही सेम स्लाइडिंग डोर। लेकिन ओमनी की तरह इसकी डिजाइन उतना प्रोपोर्शनेट नहीं है, अभी भी दादाजी ओमनी ज्यादा मॉडर्न दिखती है और इसकी इंटीरियर भी काफी बेसिक सा है और इसमें कोई मॉडर्न डे टूल्स आपको नहीं मिलेगा। अभी आते हैं सेकेंड कार में, रेनो ट्राइबर। इसका प्राइस 6.33 लाख से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट की प्राइस 9.12 लाख है। इसमें है 3-सिलेंडर 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 72 पीएस और 96 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट करती है और 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड AMT का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओनली पेट्रोल ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल है। ड्राइवर की क्लेम्ड माइलेज है 19 किलोमीटर पर लीटर और AMT में 18.29 किलोमीटर पर लीटर। 4 वेरिएंट में ये रेनो ट्राइबर आपको मिल जाएगा, RXC, RXL, RXT एंड RXZ। इस गाड़ी की एक खास बात है और वो है आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सेकेंड एंड थर्ड रो को फोल्ड करके इसका जो बूट स्पेस है आप यूटिलाइज कर सकते हो। अप टू 625 लीटर की मैसिव बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। इसके टॉप वेरिएंट में सेकेंड रो में AC वेंट भी आते हैं, कूल ग्लव बॉक्स, टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो जैसा मॉडर्न डे फीचर्स यहाँ आपको मिल जाएगा। ये गाड़ी का USP है स्पेस मैनेजमेंट। सब 4 मीटर गाड़ी में ऐसा स्पेस मैनेजमेंट आपको और कहाँ मिलेगा। इसके लुक्स काफी शानदार है, विजुअल एप्पल या फिर ऑन रोड प्रेजेंस बाकी 7-सीटर से काफी अच्छी है रेनो ड्राइवर की। अगर आपका ड्राइविंग सिटी में लिमिटेड है तो फिर ये गाड़ी विथ ऑल मॉडर्न डे फीचर्स विल गिव यू अ रियली गुड राइडिंग एक्सपीरियंस। इसमें इम्प्रूव कहाँ कहाँ हो सकता है। 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एक 7-सीटर गाड़ी में, एटलीस्ट 1.2 या फिर 1 लीटर टर्बो होना चाहिए था, राइट? हाईवे ड्राइविंग एंड ओवरटेकिंग में पावर लैक फील होता है। केबिन की प्लास्टिक क्वालिटी और थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अभी आते हैं फोर्थ कार मारुति सुजुकी आर्टिगा में। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ है। आर्टिगा की प्राइस 8.35 लाख से शुरू होकर 12.79 लाख एक्स शोरूम तक है
आर्टिगा में है 1.5 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन विथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी माइलेज को और थोड़ा इंक्रीज कर देता है, जो पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन में ही अवेलेबल है। ये अपडेटेड पावर ट्रेन 103 पीएस एंड 136.8 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल के स्टैंडर्ड के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक भी इसमें दिया गया है। पहले इसमें था 4 स्पीड ऑटोमेटिक, अभी इसमें हो गया 6 स्पीड ऑटोमेटिक। क्लेम्ड फ्यूल माइलेज इसका है 20.51 किलोमीटर पर लीटर और पेट्रोल ऑटोमेटिक में वो है 20.3 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी में 26.11 किलोमीटर पर केजी। चार वेरिएंट में आर्टिगा आपको मिल जाएगा, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस। सीएनजी किट VXi एंड ZXi ट्रिम में अवेलेबल है। फेसलिफ्टेड आर्टिगा में मारुति की नया 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया गया है। इसमें पैडल शिफ्टर भी है और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी कि टेलीमैटिक्स भी इसमें अवेलेबल किया गया है। कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो ओवर VM, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो AC जैसा मॉडर्न डे मस्ट हैव फीचर्स भी इंक्लूडेड है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड डुअल एयर बैग, ABC विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स माउंट जैसा सेफ्टी फीचर्स आर्टिगा को फैमिली के लिए और भी सेफ्टी बना देता है। हायर ट्रिम्स में एडिशनल 2 एयर बैग्स यानी कि टोटल 4 एयर बैग विथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ हिल्ड होल्ड असिस्ट भी दिया गया है। आर्टिगा में इम्प्रूव कहाँ कहाँ हो सकता है? थर्ड रो में लेग रूम की बहुत ही कमी है और इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है इंटीरियर में वो थोड़ा बेहतर हो सकता था। लिस्ट में फोर्थ कार है महिंद्रा बोलेरो नियो, जो पहले TUV300 नाम से मार्केट में आया था। महिंद्रा बोलेरो नियो 9.29 लाख से शुरू होता है और इसका टॉप वेरिएंट की प्राइस है 11.78 लाख। महिंद्रा बोलेरो नियो में 5 सीटिंग कैपेसिटी है लेकिन पीछे ट्विन जंप सीट दिया गया है। इसमें है 1.5 लीटर की 5 स्पीड डीजल मैनुअल इंजन, 100 PS एंड 260 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट यहाँ पे होता है। N10 ऑप्शनल में एक मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल भी दिया गया है, वो क्या है? इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बेटर हो जाते हैं। जब रियर व्हील ड्राइवर की कार रियर व्हील कहीं पर फंस जाते हैं यानी कि एक व्हील पर ट्रैक्शन ज्यादा होता है और दूसरा व्हील पर ट्रैक्शन कम होता है तो जो व्हील में ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे सारे पावर आ जाते हैं। इसमें ऑफ रोडिंग में ड्राइविंग काफी इजी हो जाते हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो 4 वेरिएंट में अवेलेबल है, N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल। महिंद्रा बोलेरो में 7 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आते हैं लेकिन ये बस N10 ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और कीलेस एंट्री जैसा फीचर्स भी दिया गया है। सेफ्टी में इसमें डुअल बैक की ऑप्शन है विथ ABS एंड EBD, रियर पार्किंग सेंसर विथ रिवर्स असिस्ट एंड आइसोफिक चाइल्ड माउंट जैसा फीचर्स भी यहां पे आपको मिल जाएगा। इसमें जो USP है वो है इसका हाई सीटिंग पोजीशन। SUV में जो आपका गुड विजिबिलिटी मिलेगा हाई सीटिंग पोजीशन में वो आपको बोलेरो नियो में मिल जाएगा। इसका इंजन काफी टॉर्की है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है इसका, ऑफ रोडिंग इसका काफी अच्छा है क्योंकि इसमें है लॉकिंग रियर डिफरेंशियल। इसका केबिन स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए? राइड क्वालिटी काफी स्टिफ है, इसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जैसे रियर कैमरा और 7 इंच जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिसिंग है। केबिन क्वालिटी और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, ये एवरेज है। और पीछे जो जंप सीट्स है वो एडल्ट के लिए काफी अनकंफर्टेबल है, वैसे वो चाइल्ड के लिए भी अनकंफर्टेबल है लेकिन वो बोल नहीं पाते। नेक्स्ट गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो की प्राइस 9.32 लाख से शुरू होता है और 10.26 तक जाता है। इसमें B4 और B6 दो वेरिएंट आते हैं। इसमें 1.5 लीटर की डीजल इंजन है जो 75 PS और 210 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही है
और माइलेज है इसका 16 किलोमीटर पर लीटर। कीलेस एंट्री, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ एनेबल म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स एंड यूएसबी कनेक्शन एंड पावर स्टीयरिंग इसमें दिया गया है। सेफ्टी के मामले में यहाँ पे दिया गया है ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर एंड स्पीड अलर्ट। महिंद्रा बोलेरो में राइडिंग काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसका इंजन काफी टॉर्की है तो इसलिए ये कहीं पर भी चल सकता है। इसमें हम लोगों को जो स्पेशल लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी, काफी मैस्कुलिन है और हार्ड टू डैमेज है। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी पनिशमेंट इसको दे दो, बोलेरो सहन लेगा। इस लिस्ट में फाइनल एंट्री है किया करेंस। किया करेंस हाल ही में CNG किट के साथ स्पॉट किया गया है। किया करेंस की प्राइस 9.5 लाख से शुरू होता है और 17.69 लाख तक जाते हैं। किया करेंस में 5 वेरिएंट आते हैं, प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस एंड लग्जरी प्लस। किया करेंस में 7 सीटर ऑप्शन है, लेकिन इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें 6 सीटर ऑप्शन है, क्योंकि मिडिल रो में इसका कैप्टन सीट की ऑप्शन है। किया करेंस के इंजन काफी सारे ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ आते हैं। इसमें 100 PS एंड 144 न्यूटन मीटर की पावर जनरेट होता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीटी में आते हैं। इसमें 114 PS और 242 न्यूटन मीटर पावर जनरेट होती है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आते हैं। इसका पावर है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। किया करेंस में बहुत सारे फीचर्स है, आप जितना भी फीचर सोचो आपको किया करेंस में मिल जाएगा। लेटेस्ट फीचर्स क्या क्या है? क्रूज कंट्रोल, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक वन टच फोल्डिंग फंक्शन फॉर सेकेंड रो सीट एंड अ मैसिव 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड कैपल कार प्ले। और इसमें आपको मिल जाएगा 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड कार सीट और फ्रंट रो, अ सिंगल पेन सनरूफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये लिस्ट में एक लौता गाड़ी है जहाँ पे आपको मिलेगा सनरूफ। सेफ्टी के मामले में किया करेंस में है आपका 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS, ये स्टैंडर्ड है सारे वेरिएंट में। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा दोस्तों? कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।